वापस एक बार मेरे भाई ने ये क्या मंगा है, मेरे लिए गिफ्ट है। नहीं, वो फोन है, फोन। वो फोन भाई यार, ये फोन को लगभग हो गया अभी 6 मंथ, लेकर लाइक लिटरली 6 मंथ से इंतजार कर रहे हम लोग। इंतजार नहीं कर रहे, इसको मैं भूल गया था एक्चुअली बोलूं तो। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा फोन है। इसके अंदर है एक्चुअली वाला फोन, ये है एक्चुअली LG का सबसे लास्ट वाला फोन। इसके बाद उन्होंने बनाना ही बंद कर दिया शायद से। ये है LG का विंग। ये एक्चुअली मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था और डिस्काउंट पे भी था, इसलिए लिया था। सीधा देखने मिलता है आपने को ये फोन। भाई, और इस फोन की एक्चुअली यूनिक बात ये है, ये देखो गाइस, देख रहे आपको अभी समझा होगा यूनिक बात क्या है इस फोन की। ये विंग फोन है, मोस्टली सब लोगों ने देखा होगा इसको। मुझे लगा चार्जर इसमें, बट इसमें है USB Type-C to 3.5mm का एडाप्टर। चार्जर तो साथ में आया नहीं, लेकिन पावर ऑन करके देखते हैं अभी इस फोन को। हो गया शायद से पावर ऑन, वाइब्रेशन तो फील हुआ मुझे। चार्ज कर नुबले। हाँ एक्चुअली शायद 6 मंथ हो गए इसको, इसलिए चार्ज करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत। 6.5 hours later. एक्चुअली मैं गाइस, फोन तो चार्ज था, बस इसको टाइम लग रहा था। ओके, इसका भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कुछ नहीं भाई। सो एक्चुअली मुझे तुरंत चेक करना है कि क्या होता है जब मैं ये स्क्रीन ऐसी करता हूँ। ओके, तुरंत एक अजीब से मूड में चला गया ये फोन, देखो। या हम लोग गाइस ऊपर की स्क्रीन ऐसे रख के नीचे का कोई भी ऐप चालू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रोम चला दिया, और क्रोम में अगर मैंने यहाँ पे टाइपिंग करनी चाहिए तो यहाँ से हो जाती है। लाइक कुछ भी हम लोग सर्च कर सकते हैं यहाँ से। एंड अभी देखते हैं यूट्यूब चालू होता है क्या। ओके, अपडेट हो जाता है यूट्यूब। अभी हम लोग चलते सीधा वन स्पॉट टेक, सही चैनल है गाइस, इसको सब्सक्राइब करना भूलिए मत। साइड में इसके ये बटन से वॉल्यूम वाले यहाँ से बढ़ा देता हूँ मैं। काफी खतरनाक चीज है यार ये, मस्त मजे आ रहे हैं मुझे इसको देख के। यहाँ पे नीचे इंफॉर्मेशन भी दिख रही है मुझे यूट्यूब वीडियो की, इसको यहाँ से मैं स्किप वगैरह कर सकता हूँ। ब्राइटनेस वगैरह भी यहाँ से एडजस्ट हो रही है, वॉल्यूम भी हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो भी लगा सकते हैं हम लोग खुद की। भाई काफी ज्यादा खतरनाक चीज लगी यार मुझे ये वाली, वाव। लाइक दो दो ऐप्स हम लोग कभी भी चला सकते हैं, यहाँ पे वीडियो देख रहे हो और यहाँ पे शायद से आपको टेक महिंद्रा की शेयर प्राइस यूट्यूब ने रिकमेंड किया है, गूगल ने रिकमेंड किया है। बाय करने चाहिए शायद से, थोड़े बढ़ रहे मे बी। ओके, एडवाइस मत लेना मेरी गाइस। अभी कैमरा देखते हैं इसका कैसे काम करता है, क्योंकि कैमरा एंड गेमिंग ये दोनों चीज़ों में मैं ज़्यादातर इंटरेस्टेड हूँ अभी के लिए, लेटर। ओके, व्हाट इज दिस मैन, ये देखो गाइस गिम्बल मोड देखो इसका, ये क्या चीज़ है भाई, ये कैसे हो रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल। अबे भाई कैसे कर रहा है ये फोन, अभी ऊपर नीचे कर रहा है इजीली, लेफ्ट राइट सब जगह जा रहा है भाई। और लेफ्ट में यहाँ पे नीचे दिखा भी रहा है कि हम लोग कहाँ पे अभी फ्रेम में, मुझे कुछ नहीं समझ रहा ये काम कैसे कर रहा है भाई। यहाँ पे बाकी टाइम लैप्स मोड, स्लो मोड वगैरह तो है ही डेफिनेटली। ड्यूअल रिकॉर्डिंग करके एक चीज है, ये कैमरा कैसे ऊपर आ गया भाई। ओ भाई, दो दो कैमरा से फ्रंट एंड बैक दोनों से रिकॉर्ड हो जाता है लिटरली। और इसका आगे हम लोग ये भी चेंज कर सकते लाइक जो ये है ना पोजिशनिंग, YouTube वीडियो हो रहा है अपना रिकॉर्ड, ऐसा लग रहा है फोन पे अभी। सीरियसली गाइस, लाइक ऐसे सामने चलते चलते जो आई एम नॉट श्योर ऐसा कोई करेगा, बट कंसेप्ट काफ़ी यूनिक था यार। यही सब चीज़ों के लिए मैंने ये फ़ोन लिया था, बस चेकआउट करने के लिए। क्या अजीब अजीब चीज़ें इसमें, सीरियसली मैंने लिया। हाँ मतलब इसने मंगाया था, ओके ठीक है। तो ये कैमरा क्या मस्त तरीके से ऊपर नीचे आ रहा है, देखो ना। आई गेस अभी मैंने अगर ऐसे किया इसको वापस से, ओके अब समझा कैसा है। ओके अब समझा, इस वाले में अभी गिम्बल मोड नहीं है, इसमें नॉर्मल मोड्स ही है सारे के सारे। लाइक हमेशा वाला जब बोरिंग से कैमरा होते हैं अपने, वही वाले फोटोज़ अभी इसमें निकल जाएंगे। बाकी सब तो छोड़ो यार, फोटोज़ का क्वालिटी मायने ही नहीं करता। आगे इसमें कुछ अच्छे खासे कैमरा है डेफिनेटली। ये भाई क्या हो गया, ये क्या भाई, कुत्ता बिल्ली रैबिट बनाने वाले फिल्टर।
इसके कैमरास एक्चुअली काफी अच्छे वाले क्वालिटी के मुझे लगता है। मैं अभी कैमरामैन का एक फोटो निकालता हूँ, पोर्ट्रेट में भी निकालता हूँ फोटो, और भी मैं थोड़े बहुत फोटोज ऐड कर दूंगा। एक्चुअली इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई अभी इस फोन को बाय भी कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए ऑनेस्टली बोलूँ तो, क्योंकि काफी पुराना भी हो गया है। बस इसका जो कंसेप्ट है ये विंग वाला, भाई ये काफी ज्यादा यूनिक है। गाइस एक्चुअली अभी हम लोग गेमिंग कर रहे हैं, एस्पार्क 9 खेल रहा हूँ, और नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो GPS होता है या फिर नेविगेशन होता है वो दिख रहा है यहाँ पे। यार मस्त लग रहा है ये एक्चुअली दिखते समय। वो भाई साहब परफॉर्मेंस भी एक्चुअली सही है, ठीक ठाक है गेमिंग वाला। और हम लोग इसको एक्चुअली उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब कि ऊपर GPS और नीचे हम लोग आराम से गेम खेल रहे हैं। भाई काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस है, यूनिक वाला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गेम्स नहीं है इसकी जो ये सब कर सके, लाइक कंपैटिबल गेम्स भी मंगती है, वरना क्या ही फ़ायदा है इतने सारे फीचर्स होके भी। जीत भी गए देखो, पता भी नहीं चला जीत कब गया। गाइस एक्चुअली एक और फीचर है इस नीचे वाले डिस्प्ले का, यहाँ से हम लोग नीचे करके यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें देखने के तो मिल ही जाते, लेकिन इसमें से एक मस्त फीचर लगा मुझे ये ट्रैक पैड। ओके ट्रैक पैड पे क्लिक करते ही ऊपर देखो एक एरो आ गया, लिटरली एक नॉर्मल सा एरो आ गया यहाँ पे। ये गेम जब तक चालू हो रहा ना, मैं आपको ये ट्रैक पैड फीचर आपको दिखा रहा हूँ टाइम पास के लिए। देखो क्रोम में गए हम लोग यहाँ पे, यार स्टॉक्स ही काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, स्क्रॉल वगैरह कर सकते हैं लाइक किसी भी चीज़ पे। ऐसे नॉर्मल जो लैपटॉप वाला एक ट्रैक पैड होता है उसका ये फील देता है, वही है एक्चुअली बोलूँ तो मैं आपको। BGMI लोड तो हो गया है बट इसमें मुझे लैग दिख रहा है। एक्चुअली बोलूँ तो ये फ़ोन मुझे उतना स्मूथ लग ही नहीं रहा है। अभी ग्राफिक्स देखते हैं इस पर किस पे सेट है, स्मूथ पे लेके जाते ग्राफिक्स में। गाइस इसके साथ स्मूथ में एक्सट्रीम का ऑप्शन है, एक्सट्रीम मतलब 60 FPS होता है, 60 के नीचे चलेगा भाई। ये डेफिनेटली गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गेम, ये मैं डेफिनेटली आपको बोल ही सकता हूँ। ऑनेस्टली बोलूँ तो BGMI के साथ ये वाली स्क्रीन का कुछ ज़्यादा तो फायदा है ही नहीं डेफिनेटली, बट एक मस्त चीज़ है कि हम लोग इसको ऐसे रख सकते हैं और नीचे का स्क्रीन है ना सपोर्ट कर रहा है, लाइक ऐसे थोड़ा सा हल्का लग रहा है। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये फ़ोन का वेट कुछ ज़्यादा ही है, और ये वाली स्क्रीन है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा ही थिन है, इसलिए ऐसा मस्त सा फीलिंग आ रहा है पकड़ने में एटलीस्ट। ठीक है मेरे कंट्रोल्स थोड़े बहुत सही है, बट जायरोस्कोप वगैरह मे भी एक्टिवेट करना भूल गया मैं इसमें। ठीक है कैसे वैसे मारते आ जाओ, बहुत लैग फील हो रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा लैग भाई, कुछ ज़्यादा ही लैग फील हो रहा है। मुझे आदत नहीं ऐसे लैग पे खेलने की, डेफिनेटली नहीं है मुझे तो। यार नीचे BGMI का मैप आ जाता ना क्या ही मजे आ जाते, लाइक लिटरली परफॉर्मेंस तो सेम ही है, लाइक उस पर तो कुछ ये नहीं चेंजेस नहीं है। ओ एक्चुअली ऐसे खेलने जाएंगे तो स्पीकर बंद हो रहा है मेरे से। ठीक है सो के खेलेगा, सोना है तो घर पे जाने का। ओके हाँ ए भाई मुझे घर पे पहुंचा था। वेल ये थोड़ा फोन लैग हो रहा था इसलिए हार गया। लैग पे गाइस ये फोन बेस्ट यार, लैग पे आप कभी भी बोल सकते हो लैग हो रहा था इसलिए हार गया, एकदम मस्त रीजन मिल जाता है आपको। वैसे एक सोच रहा था मैं कि क्या ये गेम को हम लोग नीचे वाली स्क्रीन पे शिफ्ट कर सकते हैं, यार मैं भूल गया कहाँ से होता है ये। ओके भाई सीरियसली ये छोटी वाली स्क्रीन पे हम लोग खेलने वाले हैं अभी BGMI, ऐसे भी खेल सकते गाइस सीरियसली ये काफ़ी अजीब लग रहा है खेलने में, लोग को ऐसा ही खेलना पड़ेगा मोस्ट लाइकली। अबे भाई क्या हो रहा है यार, काफ़ी अजीब है ये खेलने में। अबे भाई उठ, अरे क्लिक नहीं हो रहा था गाइस, बटन ठीक से क्लिक नहीं हो रहे मेरे बेटा। मुझे देखना है स्टिल ये चीज़ में मैं एक किल कर पाता क्या, मुझे बस एक किल करना गाइस, एक किल क्या बस हो गया भाई, मेरे से एक ही किल हो गया इस फोन से भाई ऐसे खेल के गाइस। तो एज अ कंसेप्ट ये काफ़ी बढ़िया फ़ोन था ऑनेस्टली बोलता हूँ, मुझे पता नहीं इन लोगों ने इस पर ज़्यादा काम क्यों नहीं किया, लाइक वेट भी इतना भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा गर्म हो गया ऑब्वियसली गेमिंग के लिए तो डेफिनेटली बना नहीं। कैमरा भी ठीक ठाक लगे, मे बी इसका प्राइसिंग कुछ ज़्यादा ही था उस हिसाब से, बाकी चीज़ें डिज़ाइन वाइज वगैरह तो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा ही लग रहा है ये फ़ोन। इसमें और भी फीचर्स ऐड कर करके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर BGMI के लिए मैंने बोला वैसे मैप वगैरह वो डाल देते तो शायद से ये ज़्यादा भी चल जाता फ़ोन, अगर अच्छा गेमिंग फ़ोन भी बनाते ये लोग। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मज़े के इस फ़ोन के साथ काफ़ी पहले ही मंगाया था। आपको कैसा लगा ये फ़ोन, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कहीं पे भी ये बाय करने के लिए अवेलेबल है ऑफिशियली। अगर आपको भी ये पसंद आया तो जल्दी से यार लाइक दे दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।